दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी आधार सेंटर लेके आधार का काम करना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में अपडेट करना हुआ या फिर नया आधार कार्ड बनाना हुआ, तो अगर आप भी आधार सेंटर लेके आधार का काम करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से आधार सेंटर है, तो UIDAI की तरफ से एक नया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लॉन्च किया गया है, जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर ट्रेनिंग लेना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास आधार सेंटर है तो भी आपके लिए जरूरी है, अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसका आपको आधार सेंटर में कौन कौन से काम मिलने वाला है अगर आप नया आधार सेंटर लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आप आधार सेंटर लेके आधार का काम करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर जैसे ही ओपन करेगा आपको यहाँ पर टाइप करना होगा स्किल इंडिया। आपको यहाँ पर स्किल इंडिया लिख के इसको सर्च कर देना। जैसे आप स्किल इंडिया लिख के सर्च करते हैं तो फिर देखिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको पहला लिंक देखने को मिलेगा skillindia.gov.in। तो आपको पहले वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप मोबाइल मोड में चला रहे हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं, मोबाइल से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। तो फिर ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे आना। नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ए स्किल, यहाँ पर देखिएगा स्किल इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं कौशल भारत, यही स्किल इंडिया का यही आपको देखने को मिलेगा, कौशल भारत। यहाँ आपको देखने को मिलता है ये स्किल इंडिया पोर्टल। तो आपको ठीक है, आपको नीचे आना। नीचे जो आपको ये सब देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करना, उसका आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे नहीं आना, आपको ऊपर आना है। अगर आप मोबाइल मोड में चला रहे तो आपको यहाँ देखने को मिलता है 3 लाइन। अगर आप मोबाइल में चला रहे तो आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में चला रहे तो आपको यहाँ पे इसी कॉर्नर पर लाइन में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको देखने को मिलता है UIDAI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहीं पे देख लेना है। अगर आप मोबाइल मोड में चला रहे आपको 3 लाइन पर क्लिक करके देखना है। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में चला रहे तो आपको उस पर आपको पहले ही ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे UIDAI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ आपको पहले आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ आपको साफ साफ बताया गया कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो यहाँ पे यही बताया गया कि वेलकम टू आधार, आपका आधार कार्ड ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो यहाँ आपको कौन को किसको किसको ये ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ आपको देखने को मिलता है गेट ट्रेंड, गेट सर्टिफिकेट, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। यहाँ आपको देखने को मिलता है फ्रेशर, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी है, जो रिफ्रेशर हैं उनके लिए भी है। फ्रेशर एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो इनरोलमेंट या ऑपरेटर अपडेट ऑपरेटर हैं ये उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो फ्रेशर है उनको भी दी जा रही है और जो रिफ्रेशर है उनको भी दी जा रही है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आपको नीचे देखने मिलता है रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन, आपको इस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आपको इसको रीड कर लेना है। तो यहाँ आपको क्या बताया गया है वो आपको सही से रीड कर लेना है। उसके नीचे बाद नीचे आना, यहाँ आपको एक ऑप्शन ये देखने को मिल जाएगा, इसका आपको सही से रीड कर लेना है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन जो है आपको इंटरमीडिएट, कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो ही आप इसमें आपको अप्लाई करना, नहीं तो आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके आपको देखने को मिलता है 2 ईयर्स ITI, 10+2 होना चाहिए या फिर आपको पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 ईयर्स डिप्लोमा, 10+3 ओनली इन केस IPB। अगर आप इंटर नहीं किए हुए हैं, आप ITI भी नहीं किए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा भी नहीं किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक और ऑप्शन, ओनली इन केस ऑफ IPPB। अगर आपके पास IPPB भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंकिंग है या फिर आप आंगनवाड़ी आशा में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे 10th का भी का सर्टिफिकेट चल जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट का एक ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना। उतना आप देख लीजिएगा, उतना आपको रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा देखिएगा आपके आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है UIDAI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जो भी अपना टाइटल यूज करते होंगे
मिस्टर मिस आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको नीचे आना, नीचे आपको फुल नेम टाइप करना है, जो भी आपका फुल नेम होगा, जो आपके आधार कार्ड पे नाम मेंशन होगा वही आपको टाइप करना है। आपको अपने फादर का नाम टाइप करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ये वही आपको यहाँ पे डिटेल को फिलअप करना है जो आपके गवर्नमेंट आईडी पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है, अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। कैटेगरी का मतलब यही होता है कि आपका जो भी है जनरल ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपना एक ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप करना है, आपका एक मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे टाइप करना होगा, वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एजुकेशन का एक ऑप्शन, ठीक है, एजुकेशन का ऑप्शन जो देखने को मिलता है आपको एजुकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एजुकेशन वाला ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ आपको बीएससी का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले आईटीआई का मिल जाता है, बीएससी का मिल जाएगा, मेडिकल ग्रेजुएशन, एमएससी, एमडी, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। यहाँ आपको नीचे देखिएगा तो आपको यहाँ पे ट्वेंथ का भी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्वेंथ का या आईटीआई, एडवांस डिप्लोमा, एम फार्मा, फिफ्थ क्लास, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा, जो आप किए हुए होंगे, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका आपको नीचे आना, नीचे आपको देखने मिलता है चूज फाइल का एक ऑप्शन, आपको ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे अगर आप टेंथ पास किए हुए हैं तो आपको टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अगर आप डिप्लोमा किए हुए तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसका आपको नीचे आना है, इतना अपलोड कर लीजिएगा। उसका साइज भी आपको यहाँ पे देखने में जाएगा 5 MB रहनी चाहिए, उसका साइज 5 MB रहना चाहिए, ओनली जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, तो यही फॉर्मेट में रहना चाहिए। इसका आपको नीचे देखने में रेजिडेंटल एड्रेस, तो आपको अपने आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है, आपको अपने एरिया का पिन कोड टाइप करना है, अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसका तो यहाँ पे इंडिविजुअल केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, आधार नंबर टाइप करिएगा, उसका वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, या आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ आप देखिएगा, इसको आपको रीड कर लेना है, देख सकते हैं, उम्मीदवार प्रमाणीकरण के लिए अपना UIDAI नंबर देने के लिए सहमत हैं, तो आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा आपका सहमत है। यहाँ पे नीचे आएगा तो नीचे आपको यहाँ पे नोट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये आपको रीड करना बहुत ही जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ आपको बताया गया है, मैं आधार प्रशिक्षण परीक्षण और प्रमाणन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उद्देश्य से अपना आधार कार्ड नंबर देने की सहमति देती हूँ। इसके अलावा बायोमेट्रिक या OTP अथवा दोनों की जरूरत होने पर मैं इसे भी उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ। ये आपको यहाँ पे रेड कर लेना, रेड करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ आपको देखने मिल जाएगा ये ऑप्शन, आपको समझ लेना है कि ऑथोराइजेशन लेटर क्या है, आपको ये कैसे मिलेगा, आपको ये कैसे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑथोराइजेशन जो लेटर है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको देखने मिल जाएगा डाउनलोड टैंपलेट का एक ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको इसको समझ लेना है क्या है, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, डाउनलोड टैंपलेट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक टैंपलेट डाउनलोड हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑथोराइजेशन लेटर फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे कंसर्ट, और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम टाइप करना है, अपने फादर नेम टाइप करना है, अपना आधार नंबर टाइप करना है, यहाँ आपको पूरा डिटेल को फिलअप करना है। वो डिटेल को फिलअप करने के बाद अब यहाँ आपको नीचे आ जाता है, यहाँ आपके जो एरिया के मैनेजर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे, जो आधार, अगर आप पहले से आपके पास आधार सेंटर है या फिर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं, आपके पास CSC सेंटर है, तो जो आपके एरिया के मैनेजर होंगे उनका यहाँ आपको सर्टिफिकेट, वहाँ पे उनका मोहर चाहिए, उनका आप रजिस्ट्रेशन चाहिए, या फिर आप जहाँ से आधार सेंटर लेने वाले हैं या फिर जहाँ से आप आधार सेंटर लिए हुए हैं यहाँ से उनका आपको यहाँ पे मोहर चाहिए, उनका आपको सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद यहाँ आपको अपना फोटो लगाना है, आपको क्रॉस में एक सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको सिग्नेचर कर लीजिएगा, इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने का मोहर लगवा लेना है, अपना यहाँ पे फोटो लगा देना है, फोटो पे क्रॉस साइन कर देना है, साइन करने के बाद इसको आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो वही फाइल को आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिएगा, उसको अपलोड कर देना है, अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसको आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, IAM रिपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आप सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी आपको अपलोड करके यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस लगने वाला है, कुछ चार्जेस लगेगा, और आपको यहाँ पे चार्जेस को भी आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे ऑथोराइज होगा,
अगर आपको यहाँ पे आधार सेंटर मिल जाएगा तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे आधार सेंटर इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप आधार सेंटर बहुत ही इजीली तरीके से ले सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आधार का इनरोलमेंट काम मिलने वाला है, आधार अपडेट का काम मिलने वाला है, मतलब आधार कार्ड आप बना भी सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।